बॉलीवुड की सबसे पहली और बड़ी अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है ऋतिक रोशन और प्रभास के बारे में। जी हाँ, ऋतिक रोशन जानी हमारे इंडिया के अपने सुपरस्टार क्रश और हमारे इंडिया के बाहुबली यानी प्रभास अगर एक साथ स्क्रीन पर आ जाएं तो ऑडियंस के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं हमारे बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर नितेश तिवारी। जी हाँ, नितेश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म में इन दोनों को एक साथ लाने वाले हैं। नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी सक्सेसफुल और हिट मूवीज बॉलीवुड को दी हैं, अब वो पूरी तरह से रेडी हैं ऋतिक रोशन और प्रभास को एक साथ पर्दे पर लाने के लिए। जी हाँ, नितेश तिवारी की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म है रामायण, जिसमें वो रामायण की जो गाथा है दोबारा से एक बार फिर से दर्शाने वाले हैं बड़े पर्दे पर, जिसमें हमें राम के किरदार में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन के अलावा अगर हम बात करें सीता मैया के कैरेक्टर की, तो सीता मैया का प्यारा सा कैरेक्टर निभाने वाली है हमारी बॉलीवुड की प्यारी सी हीरोइन यानी कि दीपिका पादुकोण। इसके अलावा अगर हम बात करें रावण के कैरेक्टर की, तो प्रभास निभाने वाले हैं रावण का कैरेक्टर। अब देखना ये होगा जब ये तीनों इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तीनों इतने बड़े नेम एक साथ पर्दे पर आते हैं तो ऑडियंस को कितना ज्यादा अच्छा फील होता है और कितना ज्यादा अच्छा ये मूवी परफॉर्म करती है। वाला फिल्म की बात करें तो रामायण मूवी अब तक की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बड़े बजट वाली फिल्म होने वाली है और लगभग 600 करोड़ के बजट में बनने वाली है ये मूवी। तो 600 करोड़ अगर इस मूवी का बजट है तो ऑब्वियसली इसकी स्टार कास्ट और सब चीजें बहुत बड़े लेवल पर की जाएंगी। अगर हम इस मूवी की बात करें तो डायरेक्शन नितेश तिवारी की है, यानी ये मूवी से सक्सेस होने की उम्मीदें हमें कुछ ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इस मूवी की बात करें तो फिलहाल ये मूवी की शूटिंग कब शुरू होगी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिसेंटली प्रभास को रावण के रोल के लिए अप्रोच किया गया था जिसके लिए उन्होंने ग्रीन लाइट दिखा दी है।